हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही टेस्टी सा मीठा चावल। तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखें, देन लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें। तो सबसे पहले मैंने एक भगोने में थोड़ा सा पानी रख करके चावल बॉयल करने के लिए रख दिया। चावल हमारा उधर पक रहा है, तो एक कढ़ाई में डालेंगे थोड़ी सी चीनी और एक बहुत पतली सी चाशनी बनाएंगे। चाशनी में बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है। इसके बाद में इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे एंड देन हम करेंगे तैयारी चावल हमारा जो है उसको बनाने की। सो इसमें मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, उसमें एक किशमिश, भीगा हुआ काजू, बादाम, खजूर, और ये कटोरी में मैंने रखा हुआ है चाशनी, और ये प्लेट में मैंने जो उबाला था चावल उसको निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम एक मिट्टी की हांडी लेंगे, छोटा सा मटकी लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, फिर हम उसमें डालेंगे जो हमने उबला हुआ चावल रखा है। वो चावल हमें बहुत पूरा भरना नहीं है, थोड़ी सी जगह खाली रखनी क्योंकि अभी हमें उसमें ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डालने हैं। फिर इसके बाद में हम इस चावल के ऊपर डालेंगे बहुत थोड़ा सा फूड कलर, जिससे जब हम बाद में चावल को बाहर निकालेंगे तो ये अलग अलग कलर की लेयरिंग होगी जो बहुत अच्छी लगेगी देखने में। फिर हम उसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, अखरोट, जो भी आपके पास है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें डाला है किशमिश और उसके ऊपर से जो चाशनी बना करके रखी थी उसको डाल देंगे। ये हो गया हमारा जो हांडी है वो हो गई है तैयार। अब इसको हम ले जा करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, गैस पे पकाएंगे चावल को दोबारा से। इसको हम ढक देंगे अच्छे से। फिर ये देखिए, मैंने इसको बहुत ही धीमी आंच पे गैस पे रखा है पकने के लिए। ऊपर से भी थोड़ा सा एक चम्मच घी डालेंगे ताकि जो चावल है वो चिपके नहीं। गैस कर दिया हुआ इसके पकने कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा दूध, इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक कटा हुआ केला। अगर आप लोग चाहें तो केले को ऐसे गर्म दूध में बनाने से अच्छा है कि आप मिक्सर में डाल करके केले को अच्छे से फेंट सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी मम्मी ने बनाया है ऐसे। अब केले को मैं मैश कर देंगे। और ये देखिए, अब ये बहुत अच्छा सा हो गया है। इसमें थोड़ा सा कलर ऐसा हो गया क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाया है मैंने। और इधर ये जो हमने चावल रखा था गैस पे पकने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए हमने उसको रखा, और वो भी हो गया हमारा रेडी। अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, जो हमने कलर ऐड किया था। कितना टेस्टी सा दिख रहा है ना। इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे, उसमें ऐड करेंगे जो हमने खोया टाइप बना करके रखा था उसको, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, फिर टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।